हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। गणेश उत्सव में आप लोगों ने अलग अलग टाइप का मोदक बनाया होगा, ऐसे मोदक आप पहले नहीं बनाया होगा। चलिए देखेंगे हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप गेहूं का आटा, 3/4 कप गुड़, काजू और बादाम और ड्राई फ्रूट्स रह गए तो लेके उसको सभी को बारीक काट के रख लीजिए। पहले गेहूं का आटे को धीमी आंच पे भूनना चाहिए, तब तक भूनिए जब तक उसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। बाद में 3/4 कप गुड़ में 1/4 कप पानी डाल के गुड़ को धीमी आंच पे एक बॉईल होने तक गरम कीजिए। गरम होने के बाद चानी से गुड़ को एक बर्तन में छान लीजिए, क्योंकि गुड़ में कुछ भी कचरा रह गए तो वो निकल जाएगा। अभी बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को एक चम्मच घी में डाल के गरम करके भुने हुए आटे में डाल के अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अभी उसमें पिघलाया हुआ गुड़ को थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह मिला लीजिए और 2 चम्मच घी गरम करके डाल दीजिए, इससे स्वाद अच्छा बनेगा। अब इस आटे को अच्छी तरह से मल लीजिए ताकि एक अच्छा डफ बन जाए। ऐसा मोदक बनाने का साचा लीजिए, ये साचा आपको मार्केट में मिल जाएगा। अभी इस साचे को घी लगा लीजिए, इससे आटा साचे को चिपकेगा नहीं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेके साचे में भरिए, उसे बंद करके चारों ओर से हल्के से दबा लीजिए। अब साचे को धीरे से खोल के मोदक निकालिए। एक कप गेहूं के आटे में मेरे पास जो साचा है उसमें मैंने लगभग 25 मोदक बनाए। मोदक का प्रसाद को भगवान गणेश जी को भोग में चढ़ाइए और सबको प्रसाद में बांटिए। ये मोदक का रेसिपी आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरे नए रेसिपी आपको पहले मिले। इसे आपको दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।